तो देख सकते हो। अब जो डॉक्टर अंकल की माता जी से पूछ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है नहीं, उसी हिसाब से सारी दवाई वगैरह ली। अब क्या दिक्कत की बात है, तो थैंक यू डॉक्टर जी आप आ चुके हैं। और माता जी को पिज्जा वगैरह दे दिया, माता जी खा लेगी अब। और अब मैं निकल रहा हूँ, चलो 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 जल्दी 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 जल्दी। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरी एक ब्रांड वीडियो में। तो कैसे आप लोग, होप करते हो सब बढ़िया होंगे, मजे करेंगे। तो मैं आपका पहला जी मैं आ चुका हूँ आप सबके लिए एक और ब्रांड वीडियो लेके। और फिलहाल आप देख सकते हो कि घर के बाहर मैं खड़ा हूँ, थोड़ी सीन कुछ ऐसा आज मैं कहीं नहीं गया, जैसे कि शोरूम वगैरह मैं कॉलेज गया हूँ, क्योंकि आपको तो पता है माता जी की तबीयत खराब है। पिताजी अपने काम के लिए निकल गए और मुझे बोला कि माता जी का पूरा ध्यान रख, शोरूम जो है वो टॉम संभाल लेगा और दूसरे वाला तो भाई अभी चालू ही नहीं कर रहा है यार। मतलब गाड़ियाँ वगैरह पहुँचा दी उधर, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो वो सब भी मुझे देखना ही पड़ेगा। पर एक बार यहाँ से तो फ्री हूँ, अब सोचा था अब जाके वाला शोरूम देखूंगा, पर अब माता जी का कांड हो चुका है। आपने देखा ही, माता जी सीढ़ियों से गिर चुके हैं, डॉक्टर ने उन्हें बोला हुआ है रेस्ट करने के लिए। और आज माता जी को थोड़े दर्द वगैरह भी होती सुबह टांगों में, तो माता जी ने ये बोला कि आज ट्रीटमेंट का डे भी है। और मैंने कहा चलो फिर ले चलता हूँ तुम्हें, तो माता जी ने कहा नहीं यार मेरे से नहीं चला जाएगा ये सब वो सब। तो मैंने डॉक्टर अंकल जी से बात करी, डॉक्टर अंकल जी ने बोला ठीक है तू फिर एक काम कर कि लेने आ जा मुझे। और माता जी ने भी यही सही सोचा कि ठीक है ये सही रहेगा कि हाँ लेने वाला काम। तो इसीलिए गाइस अभी मैं जाने वाला हूँ माता जी के डॉक्टर जी को लेने के लिए, ठीक है। ऊपर मैंने ट्रेसी को बिठाई दिया माता जी के कमरे में, क्योंकि वो बैठी रहे मस्त। आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार, ये देखो ट्रेसी हम मस्त बैठी हुई है। और माता जी देख लो गाइस, ये सीन है ना आज ना, पहले तो ये जो खरोच के देखो थलकी फुलकी चोट के निशाने ने सब साफ हो जाएंगे आज। तो ठीक है डॉक्टर को बुला लेते आज टाइम भी, और ट्रेसी ध्यान रखियो माता जी का, आ रहा हूँ मैं। और साथ ही साथ गाइस आज ना जब टाइम मिला ही है, तो मैं सोच रहा हूँ सैम जिग्गू और जिगू की जो दोस्त है उसको लेके कहीं ना कहीं निकला जाए आज, क्योंकि अब मौका भी आज निकल भी सकता है। डॉक्टर को छोड़ने भी तो मैं ही जाऊँगा, इसीलिए यही मौका इसी बात पे चक से फटे नापते के लिए सुबह जल्दी सामने तेरी मैं करी मजा आ जाना। तो भाई छेती छेती चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो हम भी चलते हैं यहाँ से डॉक्टर अंकल जी के पास, और देखते फिर आगे का सीन क्या होने वाला है, को बताता रहूंगा मैं। चलो 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 चलो। और यही गाड़ी गाइस जिग्गू से, जिग्गू का दोस्त लेके घूम रहा था, मैंने छीन ली उसे, मैंने कहा जिग्गू यार बोल देना इसे, तो ठीक है उसका दोस्त भी मान गया ठीक है यार। और इस गाड़ी में मैं निकलने वाला हूँ, मस्त गाड़ी है भाई, ये देखो ना लिवरी वगैरह क्या करवा रखी है बंदे ने, खुल जा सिम सिम। यार ये गेट के ना पता नहीं क्या ही मेरे साथ दिक्कत होती है, क्या सीन है मुझे तो ये समझ नहीं आता। अरे खुल जा ना, खुल गया फाइनली गाइस, मेरे को लगा तो नहीं था ये खुलेगा पर ये खुल गया है। और लेट्स गो भाई, ये क्या है गाड़ी ये इतनी फिसल क्यों रही है, मुझे यही समझ नहीं आ रहा, फिर मेरे से संभाल ही नहीं जा रही, पता नहीं गाइस जो भी सीन है। पर चलो कोई नहीं है, अपन छेती छेती निकलने वाले हैं डॉक्टर अंकल जी को लेने के लिए। और जो बेसिकली जो डॉक्टर अंकल है ना, वो अभी उस वाले हॉस्पिटल में नहीं है जहाँ पे मैं आपको याद होगा माता जी को लेके गया था, वो है दूसरे वाले में। तो वहीं से उन्हें उठाना, उन्होंने से मेरी बात होगी थी। और अरे भाई पागल है एकदम से कट ले रहा है, तो देखो टाइम भी, हाँ बस इन्होंने यही टाइम बोला था मुझे कि इस टाइम मुझे फटाफट लेने आ जाइयो। तो लेट्स गो, छेती छेती हम निकल गए हैं गाइस। और हॉस्पिटल भी दिखा दूंगा मैं आपको कौन सा हॉस्पिटल है, अंकल जी को मैं अंकल जी को फोन कर दूंगा कि बस अंकल जी पहुंचने वाला हूँ मैं। तो गाइस पहले मुझे दूसरे हॉस्पिटल बुलाया, अब दूसरे हॉस्पिटल बुला लिया और अभी भी नहीं आए बजा के। बोरे बोरे आगे आगे आगे, अब दौड़े दौड़े आ गए, इन्हें पता मैं गुस्से में बोल गया मैं अंकल जी आना आ जाओ नहीं तो मैं जा रहा हूँ, आओ बैठो अंकल जी, चलो बैठो डॉक्टर साहब। हाँ इसकी कॉमेडी चल रही है यार, वहाँ पे माता जी का फोन आ रहा है कि भाई जल्दी आ, खा रहे क्या दर्द हो रही है उनके, नहीं डॉक्टर अलग अपनी मस्ती में चल रहा है। पहले बता देता भाई इस वाले माना, मैं पहले उस पिल बॉक्स वाले में गया नहीं, फिर उसके बाद इधर आया, भाई सब मजाक चल रहा है गाइस। और मेरे को फिर माता जी सुना रही तो घूमने निकल गया हुआ कहीं यार, अब मजाक थोड़ी चल रहा है, इतना फुद्दू भी नहीं हूँ कि मैं घूमने निकल जाऊँ, क्योंकि मेरे पास पता है मुझे आज कार है और टाइम भी, मैं आराम से निकल जाऊँगा एक बार ट्रीटमेंट करवाने के बाद। ये माता जी भी मेरे को ना फुद्दू ही मान रखा है, पर चलो कोई नहीं गाइस निकल रहा हूँ अब कराते माता जी का ट्रीटमेंट वगैरह। वैसे डॉक्टर ने तो यही बोला था अगर तुम हॉस्पिटल ले आते ना तो और सही रहता, पर चलो अब क्या ही कर सकते हैं, अब माता जी का मन ही नहीं है हॉस्पिटल आने का, अब क्या करूँ मैं भी इसमें, अब पिताजी ने जो बोला वही करना पड़ेगा, अब नहीं भी करूँगा तो पिताजी मेरी टूई सुझा देंगे, ये बात भी है। तो लेट्स गो, छेती छेती घर चलते हैं गाइस और फिर कराते हैं ट्रीटमेंट माता जी का। तो फाइनली गाइस घर पे हम पहुँच चुके हैं गाड़ी लेके, हाय रब्बा आओ डॉक्टर साहब फाइनली, हाय रास्ते में इतना ट्रैफिक कैसे हो गया मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। हाँ जी डॉक्टर साहब आ जाइए। तो लेट्स गो, लेके जा रहा हूँ डॉक्टर साहब को हमारे माता जी के कमरे में। और डॉक्टर साहब जी कुछ, अरे आ जाना अंदर, कहाँ रहे कुछ खाओगे पियोगे, रुक जाओ एक सेकंड बोल देता हूँ मैं। कहाँ गई हमारी आंटी जी, आज भी नहीं आई क्या, उस दिन भी आंटी नहीं आई थी, माता जी टपक गई थी, क्या ही बोलो यार, सॉरी यार आंटी जी। अंकल जी आप ऊपर चलो ना, आओ आओ आओ, मैं चिंगारों के भर रहा हूँ अंकल जी, ये मेरे को नहीं आती तुम्हारी ये गंदी बातें समझ, आ जाओ। तो लेट्स गो,
फाइनली गाइस हम ऊपर पहुंच चुके हैं। लेट्स सी कि अब माता जी के क्या ट्री निकल गई, प्रेस निकल गई, मतलब पीछे से उसने देखा मैं भी निकल गया हूँ, निकल गई। माता जी का ध्यान तो रखना ही नहीं उसे। आप डॉक्टर साहब जी, ये नहीं मेरी माता जी, माता जी डॉक्टर अंकल आ गए। तो अगर यार ये तो उठ भी नहीं सकती। देखो डॉक्टर साहब, पहले तो ये बोल रही थी इनके जो ये दोबारा जहाँ चोट वगैरह लगी है वहाँ दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो एक तो इसकी दवाई दे देना, बाकी आपको जो ट्रीटमेंट करना वो ट्रीटमेंट कर दो, जो चोट वगैरह के जो निशान है ना आपने बोलते क्लीन वगैरह करके सब हट जाएंगे तो वो भी कर दो, ठीक है। बाकी कुछ और चीज़ चाहिए हो तो मुझे बता देना, पर फटाफट करो यार डॉक्टर साहब, मुझे भी निकलना है फिर काम से। मैं सच बताऊँ ना गाइस, तो मेरा तो मोर बना दिया। जब मेरे को डॉक्टर अंकल ने जो दोबारा भेजा, बोला कि यार मैं सामान लाना भूल गया, ये सब वो सब। यार मैंने कहा अंकल इतनी फुद्दूबंदी क्यों करते हो यार। अब चलो, अब माता जी का इलाज कर रहा था, फिर उसका सामान लेके आया हूँ मैं। अब वो इलाज वगैरह बातचीत वगैरह कर रहा माता जी से कि क्या क्या सीन है, कैसा थोड़ा आराम है या नहीं। ये देखो इतना बड़ा डब्बा मंगवा दिया इसने मेरे से, ये मजाक है क्या है? इसको बड़ी मुश्किल से लाया हूँ मैं से, तो देख सकते हो। अब जो डॉक्टर अंकल जी माता जी से पूछ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है नहीं, उसी हिसाब से सारी दवाई वगैरह दी जाएगी। और एक इंजेक्शन लगा दिया माता जी को दर्द का, ठीक है। बाकी कुर्सी पे बैठे हुए हैं ऐसे, वैसे ही कुर्सी उठवा के, हाँ मेरे से लगवाई, खुद नहीं कर सकते डॉक्टर खुद। चलो ठीक है, इलाज वगैरह चल रहा है और क्या। हमारे जो घर में गए वो काम करते हैं ना, वो आंटी आई नहीं रही, मैंने फ़ोन में बात की, उन्होंने बोला कि उनकी भी तबीयत ख़राब हो रखी है। फिर आज हमने ऐसी भाई बड़ी मुश्किल से जुगाड़ वगैरह करा के जिग्गू से बात करी, तो ये आंटी भिजवाई है उसने। और आंटी को मैंने सारा काम बता दिया, क्या क्या सीन है। आंटी ने चाय बना के दे दिया, डॉक्टर ने चाय जो अभी पी ली है, मैं गिलास देने ही आया था नीचे। वो लेट्स गो दोबारा से, अब कम से कम आधा घंटा हो गया ऊपर, ठीक है ओके। तो अब मेरे ख्याल से क्लीनिंग वगैरह होनी है माता जी की, जैसे कि आप देख रहे हो ना गाइस, ये दिखा देता हूँ मैं आपको, चोटें वगैरह लगी हुई है। ये जो चोटों के निशान वगैरह ना, मैं आपको फ़ोन में दिखाऊँ तो एक सेकंड, ये चोट के निशान वगैरह सारे हटेंगे। ये देखो, ये जो ये देखो कैसे हाल हो रखे हैं ना, ये सब चीज़ें साफ़ होने वाली है अभी, है ना। तो इसीलिए अब वही होने वाला, दवाई दवाई दे दिए, इंजेक्शन दे दिया। माता जी को बोला कि सीधा लेट जाओ, तो अब ये सीधा भी लेटा दिया। वैसे माता जी बोल रही थी बहुत दर्द हो रहा, पर डॉक्टर मैंने बड़ी मुश्किल से भैया कोशिश करवा करवा के सीधा कराया। तो चलो डॉक्टर साहब क्लीनिंग भी जल्दी शुरू कर दो यार। ओके, ये वाला भी रख दिया। तो गाइस माता जी को जो क्लीनिंग वगैरह, तो जितना भी चोट चोट के निशान वगैरह थे ना गिरी हुई थी, तो वो सब भी साफ हो गए डॉक्टर अंकल जी और भैया, बड़ी मुश्किल से हुए हैं। तो माता जी अब तो ठीक हो, बस अब क्या दिक्कत की बात है। तो थैंक यू डॉक्टर जी, आप आ चुके हैं। और डॉक्टर अंकल जी ने बता भी दिया कि कैसे क्या क्या दवाई वगैरह देनी है, कैसे क्या क्या सीन है, तो अब कोई दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। चलो डॉक्टर साहब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो चलो चलो, फाइनली गाइस ये सब हुआ जो काम मेरे को बोला गया था। ऊपर से सैम भी कॉल कर जा रही है, कहाँ रह गया, तो वहाँ भी जाना फटाफट गाइस। चलो डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी छोड़ दूँ मैं आपको यार, जल्दी आओ। तो नीचे डॉक्टर साहब का वेट करते हैं, फटाफट निकलते हैं गाइस, डॉक्टर साहब को छोड़ना है और फिर मैं वहीं से निकल जाऊँगा। ठीक है ले आऊँगा, ले आऊँगा। अरे यार चलो अंकल जी, अरे तो माता जी की गुजारिश है, वो कह रही है कि उनका ना पिज्ज़ा खाने का काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा है, तो पिज़्ज़ा लेके आ जाओ, ठीक है। अब डॉक्टर अंकल जी आ रहे हैं, इनका जो सामान था वो मैंने रख दिया है, तो पिज़्ज़ा भी। अरे यार मैं तो और लेट हो जाऊँगा, वो सैम ना वैसे ही मेरे को इतना सुना रही है। वैसे डॉक्टर जी का सामान देख लो गाइस, मैंने यहाँ रख दिया, देखो ये पूरा का पूरा डब्बा। लेट्स गो, चलो चलते हैं। आप डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी बैठो यार। हाय रब्बा, निकल रहे हैं गाइस अब हम डॉक्टर साहब जी को छोड़ने के लिए। अब ये खुलने में नाटक करेगा भाई, क्या फुद्दू गेट है मेरा। तो गाइस मैंने डॉक्टर को छोड़ दिया और यहाँ से पिज्जा वगैरह भी ले लिया है, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया हूँ मैं। तो लेट्स गो, निकल रहे हैं अब घर की तरफ फटाफट भैया, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। माता जी का भी फ़ोन आ गया, एक तो डॉक्टर ने मेरा फुद्दू काट दिया, पहले बोल रहा हॉस्पिटल ले जा, फिर इसके पास एक फ़ोन आया दोबारा से कह रहा उसके घर तक वहाँ तक छोड़ दे। मैं कहा यार मैं, चलो कोई नहीं यार, अब क्या भी मना भी तो नहीं कर सकता था उसे। चलो फिर छोड़ के आया गाइस, फिर यहाँ पे आया, पहले दूसरी शॉप पे गया, वो शॉप बंद थी, फिर दूसरी शॉप पे आया पिज्जा लेने के लिए। तो गाइस घर पे आ चुका हूँ और माता जी को पिज्जा वगैरह दे दिया, माता जी खा लेगी अब। और अब मैं निकल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका हूँ। प्लान हमारा कुछ और था कि हम कहीं और जाएंगे, फिर मैंने देखा कि यार हम ऑलरेडी इतना लेट हो गए हैं, फिर मैंने कहा यहीं पास में चलते हैं, वहाँ कॉफ़ी कॉफ़ी पी के आ जाएंगे, और इसके अलावा और हम कुछ नहीं करने वाले गाइस। अब क्या ही कह सकते, जब किस्मत ही हो गए फुद्दू, फिर की करेगा बोल बेटे का दूध। आपको भी पता ही गाइस, और माता जी की कंडीशन अभी भी सीरियस ही बोले डॉक्टर ने, बोल रहे हैं कि इसमें ना कुछ अलग से मतलब इन्फेक्शन टाइप का भी हो रखा है, तो दिक्कत दे सकता है, डॉक्टर ने ये कहा हमें। अब क्या ही बोलूँ मैं, फिर मेरा मूड भी बुरा ऐसी जैसी हो गई। बस फिर अब कोई नहीं, मैंने उन्हें बोला है तो एक बार तो बनता ही है गाइस, लेके चल जाता हूँ। वैसे जिग्गू मेरा वेट कर रहा है, पिज्ज़ा लाया माता जी के लिए, डॉक्टर को छोड़ जाया, इतना गंदा दिमाग खराब हो गया। और एक और खबर मेरे को पिताजी ने दी है अभी, और पिताजी की खबर अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, वो मैं आपको बता ही दूंगा कि क्या खबर है क्या नहीं, आपको पिताजी खुद ही बता देंगे क्या पता।
तो लेट्स सी अब क्या होने वाला है। क्या नहीं, पूरे मूड के ऐसे हो चुके, इसलिए मूड ठीक करने के लिए जा रहा हूँ मैं पहले कॉलेज, उन सबको उठाता हूँ और फिर जा रहे हैं गाइस हम कॉफी वगैरह पीने के लिए। तो लेट्स गो। और यहाँ पे आप देख लो भैंस के कितनी भीड़ लगा रखी है बंदों ने। अब उन्हें फोन भी करो यार, उन्होंने बोला था कि हम ना ग्राउंड की साइड बैठे हुए, आके एक बार फोन मार दियो। तो इन्हें फोन भी मारो, इन्हें पता जब मैं पहुँचने वाला हूँ, पर नहीं हम तो नहीं आएंगे, हम तो ठीक है, मानेंगे थोड़ी। तो ऐसी ये फुद्दू बंदी करते हैं, पर चलो कोई नहीं यार, ले ही लूंगा अभी तेरा। पर फाइनली ये भी तो सोचो यार, अब जाके फ्री हो मैं कब से, मतलब डॉक्टर ने तो यार बड़ा गंदा फुद्दू काटा, डॉक्टर अभी लेके ही नहीं आना। पहले अपने ना जो सैंडी सोर्स वाले अंकल है ना डॉक्टर, वो एक नंबर के डॉक्टर है, उन्हें लेके आऊंगा गाइस अगली बार से। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने कॉलेज में, तो उठाते हैं उन तीनों को। ये 10 मिनट हो गए मुझे खड़े हुए, समझ तुम्हें आती नहीं, मतलब बंदा खड़ा आ तो जाओ है। कांगी तुझे भी नहीं आ रही थी, चलो फिर चलो जल्दी जल्दी चलो अब। हाँ दिमाग की स्थिति तो कर दिया तुमने। लेट्स गो गाइस, चल रहे हैं। वो दोनों पीछे बैठ गए, सैम आगे बैठ चुके हैं और जिग्गो आराम से गेट बंद कर यार। और इसकी गाड़ी भी देनी है ना, कोई नहीं इसकी गाड़ी दे देंगे हम, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है सैम। बस अभी वहीं जा रहे हैं कॉफ़ी कॉफ़ी पीने के लिए, उसके बाद आ जाएंगे वहाँ भी जा रहे हैं जहाँ का प्लान था। तो प्लान हमारा था गाइस कहीं थोड़े से दूर का, तो पर चलो कोई नहीं, जो भी सीने क्या नहीं। और मेरा एक दोस्त है यहाँ पे मोटा, तो उससे भी मुझे काम है, तो इसीलिए वो ये उसकी गाड़ी भी देनी है। गाड़ी के साथ साथ काम ये है कि वो कह रहा है यार एक्सरसाइज वगैरह करा दे, तू पतला हो गया। मैं कहाँ पतला हो गया हूँ, पर चलो कोई नहीं, कराता हूँ उसकी एक्सरसाइज ही कराता हूँ आज आगे, फिर पता चलेगा। ओ ये 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 आप जाके थोड़ा सा मेरा मूड क्या सही से हुई है, पर खबर जो है वो यार गलत है काफ़ी खबर। पता नहीं पिताजी ने ऐसे क्यों करा, क्यों नहीं, क्या सोच के कर दिया, पर जो भी है पता चल ही जाएगा आपको। बाकी आप कोई सोच समझ को आपको लगता है कि ये करा होगा हमारे पिताजी ने या फिर वो करा होगा, एक बार आप सजेस्ट कर सकते हो आपको क्या लग रहा है। पर जो भी है एक चीज़ बताऊँ, फरारी के रिलेटेड है, इतना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप समझ जाओ कि क्या सीन हो सकता है क्या नहीं, मेरे तो दिमाग की बिल्कुल ऐसी जैसी हो चुकी है। चलो फिर अब क्या ही करें, पिताजी के मन में जो आया उन्होंने कर दिया, फिर क्या चकते फटे नापते के लिए सुबह जनता शाम दिल्ली। इसके अलावा तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, बाकी पिताजी के मूड का ही है भाई सब कुछ। कभी मूड करे तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कभी मूड करे तो कुछ नहीं कर दूंगा, क्यों सैम? अरे रे 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 इतने टाइट, अरे रे रे वहाँ सर मार रही है, क्या कर रही है? अरे जिग्गू बैठे हुए दोनों आराम से, तो जिग्गू और मतलब सैम और उसकी फ्रेंड पीछे बैठी हुई है, और जिग्गू सॉरी सैम मेरे साथ है और सैम की फ्रेंड पीछे है और जिग्गू भी पीछे बैठा हुआ है। और इसी अड्डे पे आते हैं गाइस हम कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए, यहीं पे कॉफ़ी पीने वाले हम, ठीक है। यहाँ पे पंगे वगैरह भी हुए थे मेरे, पर चलो कोई नहीं, किसी को क्या ही पता है, जिग्गू और मुझे ही पता है। आजा सैम, आजा मोहतरमा जी, तेरे लिए गेट खोल दूँ? हाँ हाँ बड़ी महारानी हो ना आप, आओ आओ। सैम बोलेगी मेरे लिए तो कभी खोला नहीं, अरे कॉमेडी कर रहा हूँ सैम पगली, ऐसा रहते मुँह मत बना, चल चल जल्दी चल। लेट्स गो गाइस, निकल रहे हैं आप, हम पियेंगे थोड़ी कॉफ़ी, कॉफ़ी चिल चुल करेंगे यहाँ पे। अरे आ जाओ रे, आ जाओ जल्दी जल्दी आओ, ठीक है। हमें कॉफ़ी के लिए बोल देते हो भाई, देखो यहाँ पे बंदे वगैरह आते रहते हैं, बैठ के चिल वगैरह करते रहते हैं, हमें बैठना नहीं है, कॉफ़ी पी के निकलना है यार। और यहाँ पे लोग देखो ऐसे बीच वगैरह में बैठते रहते हैं। सैम ही आइए क्या, जान दो उन्हें दोनों को, हराम ही है वो, पता नहीं कहाँ निकल गए होंगे। वो आ गया, वो आ गया, वो भी आ गया, निकल कहीं और ही निकल गए होंगे। तो लेट्स गो गाइस, यहाँ पे ड्रिंक वगैरह लेते थोड़ी लिटिल बिट और करते थोड़ा इंजॉय वगैरह, बस फिर और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस मस्त, मैंने तो पी लिए, पता नहीं इतने धीरे धीरे क्या पी रहे, इतना टाइम लगा रहे हैं, ठीक है यार जल्दी जल्दी पियो, फिर यहाँ से निकलने वाले हैं। बाकी इंजॉय वगैरह करते हैं लोग यहाँ पे अपना पूरा मस्त, आते हैं धूप वगैरह सेकते हैं, बियर वगैरह भी पीते हैं यहाँ पे लोग। पर आपको तो पता हम शरीफ है, पर मेरे को ना जिक्कू का तो पता है कि वो क्या करता है क्या नहीं। सैम भी शरीफ ही है, पर ये लड़की शरीफ है, इसकी आंखों से लगता है कि भैया ये तो बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया करती है, पर पता नहीं, मुझे नहीं पता यार, मैं इससे मिला ही बहुत कम हूँ गाइस। सैम की सहेली इतना मुझे पता है बस, और जिग्गू भी पता नहीं क्या करना चाहता, ठीक है। जिग्गू चाहता उसकी दोस्त बन जा, पर दोस्त नहीं बनती तो लेट्स गो यार, अब निकलते यार जल्दी पियो, ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ। मोटा मेरे को बोलेगा यार बार बार, मैं गाड़ी कब से मांग रखी है गाइस, आपको भी पता उसकी। चल सैम चल 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 चलो 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 जल्दी 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 जल्दी, ओए जी क्या क्या कह रहा हूँ मैं, जल्दी चल बस, पीली पीली पीली। और तू भी कटरी ना क्या उतरी भैंस, सॉरी 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 सैम, चल यार सैम क्या कह रहा हूँ यार मैं, सुन तो लिया कर, चल जल्दी चल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेट्स गो। सहेली गिरा दी मैंने, आई एम सो सॉरी, लेट्स गो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, छेदी छेदी आ जाओ। ओए रब्बा मार छोटिया, बड़ी देर बाद पीते हैं यार, ये क्या ही बंदे हैं, क्या ही बोलना इनको, तो इनको तो कुछ बोलना ही पाता गाइस, इतनी लेट कौन पीता, मुझे तो ये समझ नहीं आता। हमारी गाड़ी खड़ी है, मोटे से मिलूंगा मैं, बस मोटे से मिलना है,
बस फिर जाके थोड़ी तसल्ली मिलेगी। पर मोटा मेरे को लग नहीं रहा कि अब वो छोड़ो यार, मोटे को गाड़ी देकर निकल लूँगा, उसकी एक्सरसाइज बाद में करवाऊंगा गाइस। अब मैं इतना टाइम मेरे पास भी नहीं कि उसकी एक्सरसाइज वगैरह करवाऊँ मैं। थ्री भैंस की अब टच होगी उसकी गाड़ी, जल्दी बैठो बे, वो आ जाएगा। उसकी गाड़ी टच कर दिया मैंने, भैंस की आओ ना। अरे जल्दी बैठ बे जिग्गू, जल्दी बैठ बैठ सैम, आजा 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 आजा। ऐसे मोटे ने गाड़ी एक नंबर की कर रखी, एक गाड़ी नहीं है मोटे के पास, बतेरी गाड़ी पड़ी है गाइस। क्या क्या बताऊं मैं आपको, बैठ जा पीछे बैठ जा कटरीना कैफ। हां देखो क्या लगा के बैठाऊंगा तुझे, इतना अच्छा नहीं हूं मैं आगे बैठा दूं। सैम बैठेगी आगे, अभी जिग्गू बैठेगा, तू नहीं बैठेगी क्योंकि आई डोंट लाइक यू। ओके तो गाइस निकल गए हम गाड़ी लेके। ये ओ क्या बात है, इस गाड़ी का मोर बनाने में तो अलग ही मजा आता है। बाकी का सीन यार आज मूड की जैसे कि मैंने आपको बताया था कि होगी, पूरा टाइम माता जी का दवाई दुई, कभी ये कभी वो, कभी ये सीन वो सीन, उसी में लग गया। ट्रेसी अपनी सहेली के साथ निकल गई थी और सीन ये हो गया था, इसलिए मुझे वहाँ पे भी देखना पड़ा। और इसलिए अब मैं जल्दबाजी में घर पे जा रहा हूँ, और घर पे जाके ही देखना पड़ेगा मुझे ही। तो इसीलिए अब क्या कर सकते हो गाइस, अगर आज की वीडियो आपको छोटी लगी हो आई एम रियली सॉरी, हम आगे से बड़ी वीडियो जरूर बनाया करेंगे। बस अब इन्हें फटाफट छोड़ जाते हैं, या फिर सैम कह रही थी माता जी से मिलना, इसको घर ही ले चलूँ। आज का पूरा दिन कैसे निकला क्या रहा कुछ पता ही नहीं चला गाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया सारा टाइम घर पे निकल गया, फिर उनके साथ गया, फिर उनके साथ भी मेरी थोड़ी लड़ाई होगी। वो कह रहे कि यार पहले तो तूने हमारा फुद्दू काटा, फिर तू दोबारा चले गया। मैं सैम को लेके ही नहीं आया यहाँ, फिर मैंने यही सोचा कि घर पे आ जाता हूँ। घर आके मैंने देखा कि दोबारा से जो माता जी की कंडीशन है वो दोबारा से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है गाइस। मतलब जो हमने चीज़ें सफाई वगैरह करवाई थी, इनके जो चोट वगैरह लगी वहाँ से दोबारा ब्लड निकलने लग गया, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो दोबारा से देखते डॉक्टर वगैरह अंकल आएंगे, मैं पिताजी को फ़ोन करता और देखते कि क्या सीन होने वाला है क्या नहीं। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो होप करता आपको हमारी आज की वीडियो में मजा आएगा, मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ कमेंट करके बता देना कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। मिलता है एक ब्रांड वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, चंगा फिर अगली वीडियो।